अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मेरा नाम काशिफ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। जी व्यूवर्स, आज जो है ये भाई पानी को गर्म करने वाली, चाय बनाने वाली कैटल हमारे पास है जो आपको नजर आ रही होगी अपनी स्क्रीन के ऊपर। भाई इसका मसला क्या है, इसको मैंने ओपन बाय द वे कर लिया है ताकि टाइम जो है वो कम से कम लगे। तो भाई ये देख ही सकते हैं आपके भाई, इसमें ये इस तरीके से ये फिटिंग थी। इसके मैंने तीन पेच ओपन किए हैं, ये तीन पेच आपको जो नज़र आ रहे हैं ये ओपन करने के बाद। भाई अब इसमें मसला क्या है, मसला इसमें एक है कि इसके अंदर एक होता है थर्मोस्टेट, जो कि जब आप इसको पानी को रखते हैं अपने ऑटोमेटिक जो है ये पानी गर्म करने के बाद एक से डेढ़ मिनट, दो मिनट, पाँच मिनट बाद ये ट्रिप कर जाता है। वो होता है इसके अंदर एक थर्मोस्टेट छोटा सा, जो कि इधर लगा हुआ मैं आपको दिखाता हूँ करीब करके। ये प्यारे दोस्तों एक छोटा सा आपको थर्मोस्टेट नज़र आ रहा है, ये इसके अंदर फिट होता है। ये यहाँ से निकल चुका है, यहाँ से टूट चुका है। तो भाई अब इसको हमने लगाना है देसी जुगाड़। क्यों? क्योंकि भाई ये थर्मोस्टेट रिपेयरेबल नहीं है, ना ही ये मिलेगा और ना ही ये वर्किंग कर सकता है। भाई ये जो है जिसके ऊपर हम इस चैनक को रख देते हैं, कैटल को रख देते हैं, इसको यूं करके ऑन करते हैं, भाई इसका काम अब ख़त्म होने वाला है। इसी तार को हमने इसके अंदर डायरेक्ट लगा देना है। अब डायरेक्ट कैसे लगाना है, इसके एलिमेंट के साथ लगाना है, सिर्फ ये बटन ये वर्किंग करे इसका, बाकी थर्मोस्टेट से ये कट आउट हो जाएगी। ये जब आप चाहेंगे तो बंद होगी और जब ऑन करेंगे तो भाई जब चाहेंगे तो ऑन करेंगे। थर्मोस्टेट का काम जो है हम ख़त्म करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो रिपेयरेबल नहीं है। अब यहाँ से ये देखेंगे टूट चुका है और ना ही ये नया मिलेगा, जो कि हम इसके अंदर नया डाल के इसको दोबारा से ठीक कर दें। तो भाई हमने जुगाड़ लगाना है, जुगाड़ अब कैसे लगाना है यह मैं आपको बता देता हूँ। ये अब आपके सामने आप देख सकते हैं कि भाई ये एलिमेंट की दो तारें, पहले हम चेक कर लेते हैं कि भाई एलिमेंट इसका ठीक है या नहीं, क्योंकि तभी जुगाड़ का फ़ायदा है, वरना तो भाई फ़ायदा भी नहीं है। तो मैं सीरीज की ज़रा तार निकाल लेता हूँ। जी तो मेरे दोस्तों सीरीज वाली वायर जो है मैंने निकाल ली है। अब जो मैंने इसका एलिमेंट चेक करना है कि भाई एलिमेंट ये इसका सही है या नहीं। तो जी तो मेरे दोस्तों एलिमेंट जो है इसका बिल्कुल वर्किंग में है और बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो भाई अब हमने इसके साथ लगाना है जुगाड़। अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल अल्फाज में, सिंपल तरीके से भाई इसमें करना क्या है। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि भाई हमने इसमें ये बल्ब है, ये जो छोटा सा बल्ब होता है ये भी साथ जलाना है। अब इसका हमने थर्मोस्टेट से डायरेक्ट करना है। तो भाई इसमें हमने दो तारें निकाल लेनी है। सबसे पहले तो हमने जो है निकालनी है एक ये तार, मेन जो तार है, और एक जो तार होगी हमारी वो ये वाली तार होगी। तो भाई इसको मैं ज़रा यहाँ से निकालता हूँ। जी तो मेरे दोस्तों तार मैंने ये निकाल ली है। अब आप देख सकते हैं भाई यहाँ पे हमने इसका जो काम है जो है वो बिल्कुल हमने ख़त्म कर देना है, क्योंकि इसका अब काम बिल्कुल नहीं है। ये इसके अंदर थर्मोस्टेट होता है बाय द वे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो भाई इसकी वर्किंग अब हो गई है बिल्कुल ख़त्म। तो भाई अब हमने इसका एलिमेंट का जो है वो जुगाड़ ही लगाना है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो भाई ये एक वायर है और एक हमारी ये वायर है। तो भाई वैसे तो हम ये दो वायर कर सकते थे, लेकिन उससे एलिमेंट जो है वो डायरेक्ट हो जाता है। यानी कि आपको अगर साफ अल्फाज में मैं आपको बता दूँ, करीब से दिखा देता हूँ, एक ये तार है और एक तार है, ये तार है। अगर ये दो तारें मैं निकालूं तब भी चल जाएगा, लेकिन तब बंद करने का ऑप्शन नहीं होगा स्विच के अलावा। अभी स्विच के अलावा हमारे पास ये एक ऑप्शन होगा, ये बटन वाला ऑप्शन। तो इसलिए बटन के साथ करने के लिए इसको मैंने एक तार जो है वो इधर, ये देखें दो तारें जो इसके अंदर जा रही हैं, एक तार ये इस्तेमाल करूँगा जो बटन के अंदर जा रही हैं, और एक तार एलिमेंट के साथ मैं डायरेक्ट रखूँगा। इससे क्या होगा, बल्ब भी जल जाएगा हमारा और ये भी चल जाएगा। बाय द वे मैं चेक भी कर लेता हूँ इसके साथ सीरीज तार लगा के। ये भाई दोस्तों सीरीज वायर मैंने लगा लिया। मैं इसके साथ एक तार यहाँ पे लगाता हूँ और एक यहाँ पे लगाता हूँ, तो भाई कोई रिस्पांस नहीं है। तो मैं नीचे से बटन ऑन कर लेता हूँ इसका, जो कि ये देख सकते हैं आप, ये ऑन किया है। और अब देखते हैं इसके साथ तार लगा के। तो जी बिल्कुल प्यारे दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये ऑन हो चुका है। अब मैं इसका मुकम्मल इसके साथ तारें लगा के इसको आपको चला के भी दिखाता हूँ। इसमें पानी जो है वो गर्म करके भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ कि भाई देसी जुगाड़ हमारा कैसा रहा है, कामयाब रहा है या नहीं। तो भाई तारें आपको समझ आ गई होंगी, एक ये वायर है और एक जो इसके अंदर जा रही थी बटन से, जो वापस बटन से होकर आ रही थी, एक यहाँ पर तार लगानी है। थर्मोस्टेट का काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो भाई दोनों तारें लगा लेते हैं। और तार कौन सी लगानी है, इसी की वायर हमने इस्तेमाल करनी है, ये वाली वायर जो कि आपको नज़र आ रही होगी, ये जो हमने इसके स्टैंड के ऊपर रखते थे। तो भाई स्टैंड का काम अब ख़त्म हो गया, मैं इसको यहाँ से खोल लेता हूँ और यही तार यहाँ पर लगाएंगे इसके अंदर और फिर इसको चला के देते हैं। जी तो मेरे दोस्तों ये मैंने यहाँ से खोल लिया है। तो भाई अब इसका कोई वर्किंग नहीं है, ये देख सकते हैं आप, ये सिर्फ स्टैंड ही था जो कि ऊपर से हम इसको रखते थे और ये ऑन हो जाता था। तो भाई अब इसकी वर्किंग नहीं है, तो हम इसलिए इसको यहाँ से निकाल लेते हैं और हमने इसको डायरेक्ट जो मैंने आपको बताया उसके साथ जोड़ना है। तो ये मैंने निकाल लिया है, इसको ज़रा साइड पर कर लेते हैं क्योंकि इसका काम नहीं है। अब ये दो तारें हैं, तो बाय द वे तार भी मैं ज़रा ये मैंने सीरीज के साथ लगा दी है। अब इसको आपस में ज्वाइन करते हैं। तो जी तार बिल्कुल इसकी ठीक है। तो अब जो है बारी आ गई है इसको यहाँ से जोड़ने की, जो कि मैंने आपको बताया था। तो भाई यहाँ पे इसको यहाँ से जी तो मेरे दोस्तों तार मैंने जो है वो कट कर ली है, यहाँ से निकाल ली है। तो भाई एक और मैं आपको तरीका बता दूँ कि भाई इसको हम काटते नहीं है तारों को, इसी ग्रिप के अंदर ही इसको ग्रिप करके ऊपर से हमने इसको प्लास के साथ जो है किसी ग्रिप के साथ इसको टाइट कर देंगे, जो कि
एक मज़ीद अच्छा रिस्पांस देगा हमें देसी जुगाड़ में भी। तो इसको मैं ज़रा आगे करके टाइट कर लेता हूँ और ऊपर से इसको मैं प्रेस कर दूँगा। दोनों थिम्बल जो हैं वो एक दूसरे में इसकी ग्रिप जो है वो आ जाएगी। और इसको ऊपर हम कटर से दबा देते हैं। जी तो मेरे दोस्तों ये आप देख लें भाई, ये इस तरीके से मैंने दोनों थिम्बल को आपस में किया और ये बड़े मजबूत लग गए। तो इसी तरह अब ये दूसरी वायर में भी इसी तरह मैं इसको डाल के ऊपर से प्रेस। जी तो मेरे दोस्तों दोनों वायर मैं लगा चुका हूँ, आपको नज़र भी आ गई होंगी, उसी तरह जैसे मैंने आपको बोला था, एक डायरेक्ट हो गई और एक जो है वो बटन के साथ हो गई। और इसको मैंने बिल्कुल प्रेस कर दिया। इसके ऊपर से मैं टेपिंग भी कर लेता हूँ। पहले इसको मैं चला के देख लेता हूँ भाई ये वर्किंग कर रही है या नहीं। इसकी तार जो है मैं सीरीज़ के साथ लगाता हूँ। तो जी प्यारे दोस्तों बिल्कुल वर्किंग कर रही है। यहाँ से मैं बटन प्रेस करता हूँ, देखते हैं भाई। जी तो प्यारे दोस्तों ये बिल्कुल ज़बरदस्त वर्किंग कर रही है। अब जो है वो इसको सिर्फ मैंने बंद करना है, फिटिंग करनी है और फिर आपको चला के दिखाना है। तो मैं इसको टेपिंग करता हूँ, बंद करता हूँ, फिटिंग करता हूँ और उसके बाद आपको चला के। जी तो मेरे दोस्तों ये आपके सामने है भाई, बिल्कुल इसका जो है वो मैंने बंद कर लिया है, कवरिंग कर ली है भाई। अब तार सिर्फ जो है वो इसके बीच में से निकल रही है, ये आपको नज़र भी आ गया होगा भाई। ये जो चीज़ें हैं हमारी, ये जो इसका स्टैंड था और ये इसका अंदर का जो ऊपर हम जो रखते थे, आपको ये पता होगा भाई, ये अब हमारा वर्किंग में नहीं है। तो भाई अब सिर्फ जग ही रखेंगे और ये इसका ढक्कन यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ भाई। ये ढक्कन भी लग गया है और ये इसका बटन जो है सिर्फ ये वर्किंग करेगा। तो भाई इसमें पानी डालते हैं और इसको ऑन करके चेक करते हैं भाई ये वर्किंग कर रही है, इसकी लाइट वगैरह जो है वो ऑन हो रही है या नहीं। तो बाय द वे पहले मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर लगाता हूँ सीरीज़ की वायर पर और देखते हैं भाई ये ऑन है या नहीं। तो ये मैंने लगाया है इसको, तो बिल्कुल जी ये वर्किंग कर रही है। तो अब मैं इसके अंदर पानी डालता हूँ और देखते हैं कि भाई ये पानी को गर्म कर रही है, एलिमेंट इसका काम कर रहा है या नहीं। तो ज़रा पानी इसमें मैं भर लाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो प्यारे दोस्तों पानी मैं इसमें थोड़ा सा भर लाया हूँ तो आपको दिखाने के लिए। ये आपको नज़र भी आ गया होगा भाई, ये इसमें थोड़ा सा पानी आपको नज़र आ रहा होगा भाई। अब इसका स्विच मैंने इसके साथ लगा लिया है सीरीज़ वायर के साथ। तो भाई अब इसको ज़रा ऑन कर लेते हैं और देखते हैं भाई इसमें क्या रिस्पॉन्स है, क्या ये पानी गर्म कर रहा है या नहीं। तो बिस्मिल्लाह। जी तो मेरे दोस्तों ऑन मैंने ये कर दिया है और देखते हैं कि भाई इसका क्या रिस्पॉन्स है। और इसका यहाँ से बटन प्रेस करूँगा मैं, तो बिल्कुल प्यारे दोस्तों इसकी लाइट भी ऑन हो गई है, आपको नज़र आ गया होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ से मैं बटन बंद करता हूँ तो देखिए लाइट बंद हो जाएगी। तो ये मैं ऑन करता हूँ, ये ऑन हो गई है। तो भाई अब देखना है कि भाई पानी क्या सूरत हाल है, कितना पानी जो है वो इसमें, कितनी जल्दी पानी जो है वो गर्म होता है। तो भाई लगे हाथों इसके अम्पेयर भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, कितने वाट ले रही है। वैसे इसके ऊपर मेंशन जो है वो 1500 वाट है एलिमेंट के ऊपर लिखा था। तो मैं जल्दी से क्लैंप मीटर भी ले आता हूँ। तो प्यारे दोस्तों आवाज़ आपको आ गई होगी इसकी चलने की और इसमें से धुआं भी उठता आपको नज़र आ गया होगा कि भाई क्या सूरत हाल है। तो जल्दी जल्दी ये अम्पेयर भी इसके चेक कर लेते हैं लगे हाथों। इसकी मैं लाइट ऑन करता हूँ, यहाँ से एसी पे करता हूँ तो इसको एक वायर पे चेक कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों आप देख लें 6.24 ये ले रहा है बिजली और 6. यहाँ पे मैं दोबारा इसको कर लेता हूँ 6.26। तो प्यारे दोस्तों ये तकरीबन 1380 वाट जो है वो बिजली इस्तेमाल ले रहा है, यानी कि ठीक है 1500 वाट जो मेंशन था इसके ऊपर बिल्कुल सही है। तो मैं इसको ज़रा बंद कर लेता हूँ। तो भाई पानी जो है इसने बहुत जल्दी गर्म किया है और आपको नज़र भी आ गया होगा हमारा जो देसी जुगाड़ है ये बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से वर्किंग कर रहा है और बेहतरीन जो है वो काम ये हमारा कर रहा है। और ये चाय वगैरह इस पर आप जो है वो कुछ भी इस पे पानी अगर गर्म करना हो चाय के लिए या अपने वैसे गर्म पानी करना हो तो इस जग में आप कर सकते हैं। लेकिन भाई ये जो है हमारा देसी जुगाड़ है इसका थर्मोस्टेट जो है वो वर्किंग नहीं करेगा, आपको यहाँ से बटन खुद बंद करना पड़ेगा पानी गर्म होने के बाद, तो ये अपने आप बंद नहीं होगा। देसी जुगाड़ था, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर अगर नया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।